नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस रोजगार समाचार में। वैसे उम्मीदवार जो बैंक में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक द्वारा स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। यह भर्ती कुल 225 रिक्त पदों पर आई है। इस भर्ती के माध्यम से क्रेडिट मैनेजर, फॉरेक्स मैनेजर, साइबर सिक्योरिटी और सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 फरवरी 2024 है। आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट pnbindia.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों से लिए जाने वाले आवेदन शुल्क के बारे में। इस भर्ती के लिए आपसे आवेदन शुल्क के रूप में 1180 रुपए लिए जाएंगे। हालांकि जो उम्मीदवार अपना संबंध अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से रखते हैं या दिव्यांग वर्ग से हैं, उन्हें इस आवेदन के लिए 59 रुपए देने होंगे। चलिए अब हम जानते हैं इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे उम्मीदवारों की क्या शैक्षणिक योग्यताएं और पात्रताएं होनी चाहिए। तो बता दें कि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई है। तो जो उम्मीदवार ऑफिसर क्रेडिट के पदों पर आवेदन कर रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि उन्होंने CA या CMA या CFA या फुल टाइम MBA न्यूनतम 60% अंकों के साथ पास किया हो। यदि उम्मीदवारों के उम्र सीमा की बात करें तो उनकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। वहीं आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। बात करें उम्मीदवारों को मिलने वाले मासिक वेतन के बारे में, तो उन्हें हर महीने वेतन के रूप में 36,000 रुपये से लेकर 78,000 रुपये तक दिए जाएंगे। आइए बात करते हैं इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया के बारे में। तो इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में पास होंगे उन्हें ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा 100 नंबर के होंगे। इस परीक्षा के लिए आपको 2 घंटे तक का समय दिया जाएगा। वहीं इंटरव्यू 50 अंक के होंगे। आइए बाकी में हम बात करते हैं इस भर्ती के लिए उम्मीदवार आवेदन किस तरीके से कर सकते हैं। तो जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि वे सबसे पहले इसके अधिसूचना को पढ़ ले। इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसके बाद आवेदन करने के लिए इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाए। लिंक की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, साथ ही हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक शेयर कर दिया है। आप चाहे तो यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। यहाँ आने के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू करें। मांगे जा रहे सभी दस्तावेजों को अपलोड करें, सही तरीके से सभी जानकारियों को भरें। उसके बाद आवेदन शुल्क जमा कर इसे सबमिट कर दें। आवेदन करने में यदि किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आप साइबर कैफे की मदद भी ले सकते हैं। आपके आवेदन पूरे हो जाएंगे। आवेदन किए गए फॉर्म की छाया प्रति को डाउनलोड करना ना भूलें क्योंकि ये भविष्य में काम आ सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।